नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधिबहल। आज 11 अक्टूबर है। आज शनि जो है वक्री से मार्गी हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहे हैं, और 18 अक्टूबर को जुपिटर भी जो है वो रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों जो है मकर राशि में कैप्रिकॉन साइन में है। काफी टाइम से जो है ये दोनों कैप्रिकॉन साइन में है, काफी उथल पुथल भी हुई है। जब जब जुपिटर और सैटर्न एक साथ आते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, बहुत बड़े प्लैनेट हैं। इनका इम्पैक्ट भी जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, वर्ल्ड ओवर हमें देखने को मिलता है। मैंने पहले भी ये बात कही हुई है कि जब जब जुपिटर और सैटर्न एक साथ आते हैं तब ये देखा गया है, पहले कई केसेस ऐसे हो चुके हैं कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो अपना टर्म पूरा नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई कारण रहा है और वो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए। खैर, आज जो है हम बात इंडिया की करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा अभी आने वाले दिनों में जुपिटर सैटर्न का एक साथ होना, और भी जो प्लैनेटरी चेंजेस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी चेंजेस हैं। तो आज का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको जो प्रेडिक्शन है मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड की है। एक तो 22 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक के ट्रांजिट के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, दूसरा जो है 5 दिसंबर से 16 जनवरी तक का जो ट्रांजिट है मैं उसके बारे में आपसे बात करूं। तो 22 अक्टूबर को जो है तब तक जुपिटर और सैटर्न दोनों ही डायरेक्ट हो गए हैं, और मंगल मार्स वो जो है वो आज जो है अभी जो है वो कन्या राशि में है, कन्या राशि से वो तुला राशि में आ जाएंगे, और सूर्य भी जो है 22 तक ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे तुला राशि में। अब तुला राशि जो है वो इंडिया के चार्ट में, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि क्या होगा इन प्लैनेटरी चेंजेस से इंडिया पे और इंडिया के लोगों पे, तो छठा घर जो है जहां पे ये दोनों तुला राशि जो है वो इंडिया की पत्री में, इंडिया की कुंडली में जो है छठे घर को रिप्रेजेंट करती है। तो छठा घर जो है वो बात करता है हेल्थ की। फ्रेंड्स, अभी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है, हम लोग काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं इसको कंट्रोल में लाने के, पर ये कह देना एकदम रिलैक्स हो जाना कि बीमारी पूरी तरह से हट गई है, चली गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, जुपिटर और सैटर्न जो है वो इंडिया के 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल जैसे ही छठे घर में आएंगे वहां से वो शनि को एस्पेक्ट करेंगे, शनि जो है वो मंगल को एस्पेक्ट करेंगे एज अ 10th एस्पेक्ट, सो देयर विल बी अ म्यूचुअल एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न एंड मार्स ऑन ईच अदर। ये वो टाइम होगा जब जो है कोविड के केसेस जो है हमें नंबर जो है उनका बढ़ोतरी की न्यूज आनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है, उसके बाद शादियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम प्रिकॉशंस लें और वैसा ना होने दें जैसा हमने साल के शुरू में स्थिति देखी थी। देखिए ग्रह भी जो है इस टाइम पे बहुत फेवरेबल नहीं है, पर अगर हम कंट्रोल करें तो हम स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। सो सैटर्न और मंगल जो है इनका म्यूचुअल एस्पेक्ट एक दूसरे पे हो रहा है। जुपिटर और सैटर्न दोनों एक साथ हैं 9th हाउस में। 9th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है लॉ को, जुडिशरी को, रिलीजन को, फॉरेन ट्रीटीज को, फॉरेन रिलेशन को। तो अब सैटर्न और मंगल का एक दूसरे पे म्यूचुअल एस्पेक्ट, ये सारी चीजों को के बारे में कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड गतिविधियां होंगी। रिलीजन जो कि हमारी कंट्री में बड़ा ही सेंसिटिव इश्यू रहा है हमेशा से, इस दौरान 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में कुछ ना कुछ रिलीजियस कंफ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। कोई ना कोई रिलीजन को लेके कोई ना कोई लॉ या कोई ना कोई एक्ट या कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे, जो कि उस टाइम हालात ऐसे होंगे कि वो जरूरी भी हो जाएंगे। फॉरेन ट्रीटीज से रिलेटेड भी जो है हम कुछ, क्योंकि मंगल जो है वो सडननेस का भी कारक है, वॉलेटिलिटी का भी कारक है, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जो है हम फॉरेन ट्रीटीज से लेके भी न्यूज सुनेंगे कि कुछ ट्रीटीज शायद कैंसिल हो जाएंगी, कुछ ट्रीटीज सडनली हो जाएंगी, तो ऐसी न्यूज भी जो है हमें सुनने को मिलेगी। सैटर्न जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम, तो हो सकता है क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के भी जो है प्राइसेस में इंक्रीज होए। जुपिटर जो कि 9th हाउस में है और 8th लॉर्ड है, वो जो है 5th हाउस में बैठे मरकरी को एस्पेक्ट कर रहे हैं,
मर्करी जो कि प्लैनेट है रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को, और इंडिया की कुंडली में जो है सेकंड हाउस अगेन विच इज द हाउस फॉर कम्युनिकेशन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए जाएं या ऐसे भाषण दिए जाएं जिससे जो है कुछ ना कुछ टेंशन्स स्पेशली कम्युनल टेंशन्स या और किसी तरह की जो है टेंशन्स जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जुपिटर जो है जब तक मकर राशि में है जो कि 20 नवंबर तक है तब तक जो है इकोनॉमी में भी जो है ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट में भी आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी कभी ऊपर कभी नीचे। जब जुपिटर एक्वेरियस में आएंगे हमारे शास्त्रों में स्क्रिप्चर्स में एक्वेरियस के जुपिटर की को बहुत अच्छा माना गया है, तो जब जुपिटर एक्वेरियस में आएंगे तब जो है दैट विल बी अ गुड चेंज फॉर द कंट्री। तब जो है एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे अगर हम बात करें या इकोनॉमी की जो हम बात करें तब जो है हम स्टेबिलिटी जो है इन सेक्टर्स में एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, पर उससे पहले तक जो है इनस्टेबिलिटी चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस हो चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेके बनी रहे। ऑल्सो नाइन्थ हाउस से जुपिटर और सैटर्न जो है वो दोनों के दोनों थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। थर्ड हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है बॉर्डर को, हमारे नेबर्स को। तो आप देखेंगे कि नेबर्स से या बॉर्डर पे जो है आपको बॉर्डर से कुछ ना कुछ जो है न्यूज आपको आती रहेगी, नेबरिंग कंट्रीज जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी हमारे देश की जो है पीस को लेके छेड़खानी कुछ ना कुछ देखने को आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। उसके बाद 5 दिसंबर को मंगल जो है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में एंटर कर जाएंगे। जैसे ही मंगल वृश्चिक राशि में एंटर करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है राहु के सामने आ जाएंगे। राहु और मार्स का जो है 1-7 एक्सिस का ऑपोजिशन होगा। फरवरी 2020 में इस साल के शुरू में जैसे ही मंगल और राहु एक साथ आए थे तब से जो है कोविड केसेस में जो है राइज शुरू हो गया था। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे ही मंगल छठे घर में आएंगे इंडिया की राशि में तो हम केसेस में इंक्रीज शुरू सुनेंगे, जैसे ये स्कॉर्पियो राशि में आएंगे राहु के एकदम सामने आएंगे तो हो सकता है केसेस में और बढ़ोतरी हो और इंक्रीज हो। सो फ्रेंड्स मैं फिर से आपसे कहूंगी प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक प्रिकॉशंस। पर जो बचाव है हमें जो बचाव इस बारी मिलेगा वो जुपिटर देंगे क्योंकि वो तब तक एक्वेरियस साइन में जा चुके होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स होके या कॉम्प्लेसेंट होके बैठ जाएं कि जी ठीक है प्लैनेटरी सिचुएशन जो है इस बारी थोड़ी बेटर है, ऐसा नहीं है। राहु मार्स एक दूसरे को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपना इम्पैक्ट तो वो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब जब राहु मार्स राहु सैटर्न एक साथ आए हैं या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइम जो है बहुत अच्छा या बहुत फेवरेबल नहीं होता है। मास लेवल पे चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसका इम्पैक्ट पूरे देश पे या पूरे देश के लोगों पे होता है, इंडिविजुअल पे इफेक्ट नहीं होता है, इट्स अ मास लेवल थिंग। तो इसलिए हम लोगों को इस पीरियड में ध्यान रखना है। अब जो 5 दिसंबर को मार्स स्कॉर्पियो राशि में आ रहे हैं तो वो केतु के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं, सूर्य ऑलरेडी स्कॉर्पियो में होंगे तब और मरकरी भी वहां पे होंगे, तो 4 ग्रह एक साथ स्कॉर्पियो राशि में होंगे। सूर्य जो है वो इंडिया की कुंडली में 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। 4th हाउस जो है वो आपकी कंट्री की इंटरनल सिचुएशन को देश की आंतरिक स्थिति को बताता है। अब मार्स का जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्स का वहां पे आना, मार्स क्योंकि अग्रेसिव और फायरी प्लैनेट है, सैटर्न का और जुपिटर का अभी जो है थर्ड हाउस जो कि नेबरिंग कंट्रीज का हाउस है उसको उस पर एस्पेक्ट करना तो क्या होगा कि नेबर्स जो है कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स करेंगे जिससे कि जो हमारे देश की इंटरनल सिचुएशन है उस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सो देश की सिक्योरिटी के लिए इट इज़ अ लिटिल अलार्मिंग टाइम, देश की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये टाइम है कि जो है देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा का जो है वो पूरा ध्यान रखा जाए। 16 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल जो है स्कॉर्पियो राशि को छोड़ के सैजिटेरियस धनु राशि में जाएंगे तब जो है स्थिति कंट्रोल में आनी शुरू होगी, थिंग्स विल बी बेटर टिल अप्रैल 2022 जब फिर से जो है मंगल और राहु जो है वो एक साथ आएंगे तब जो है स्थिति उस समय की जो स्थिति होगी उस पर मैं उस समय वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगी। पर ये जो है स्थिति अभी तक की है,
एक और पॉइंट जो मैंने आपको जैसे बताया कि जुपिटर जो है वो फिफ्थ हाउस को यानी कि पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव स्पीच का हाउस है, तो कुछ ना कुछ प्रोवोकेटिव स्पीच ऐसी दी जा सकती है जिससे कि इंटरनल पीस पे जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। उसके अलावा पंचम भाव जो है वो बच्चों को, एजुकेशन को, स्टूडेंट्स को, एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये समय जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी कोई बहुत फेवरेबल नहीं। सो फ्रेंड्स, ये जो है प्रेडिक्शन है अभी 22 अक्टूबर से लेके 16 जनवरी 2022 की। जैसे जैसे और प्लैनेटरी चेंजेस होंगे वैसे वैसे मैं आपको उसके अपडेट्स जो है देती रहूँगी, पर मैं आपसे यही कहूँगी सीइंग द प्लैनेटरी पोजिशन की प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस। ये मत सोचिए कि कोविड चला गया है या हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान हमें हमारा खुद से रखना है। नमस्कार।